एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिवाली आ रही है एंड आप सबको, मेरे सारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अब दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हर जगह आपको कैंडल्स, पटाखे, मोमबत्तियाँ, दिए। सो मैंने सोचा इसी से रिलेटेड बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे कैसे ये प्यारी प्यारी सुंदर सी वाटर कैंडल्स बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा तामझाम, बिना किसी खर्चे के। दीज वाटर कैंडल्स लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर सुपर ईजी टू मेक। सो अपने घर पे बनाइए इन्हें और घर को जगमगाइए इस दिवाली पे। सो बिना किसी देरी के इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो इन वाटर कैंडल्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके पास होने चाहिए ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे ग्लासेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो मैंने यहाँ पे तीन चार ये जो ग्लासेस लिए हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं एंड इनको शॉर्ट्स ग्लासेस कहा जाता है, बट इनके अंदर मैं कैंडल्स बनाऊंगी। सो बहुत अट्रैक्टिव लगता है एंड आपको ये इजीली अवेलेबल होते हैं, 10-20 रुपये में मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आप किसी भी पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या कोई भी पुरानी ऐसी बॉटल हल्की सी हो उसमें से ऐसे प्लास्टिक के सर्कल्स काट लीजिए एंड इसके अंदर आपको होल कर लेना है बिल्कुल इसी टाइप के। तो हम इसका यूज़ करेंगे आगे कैंडल बनाने के लिए। नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसी बाती की, क्योंकि ऑब्वियसली बाती के बिना तो कैंडल जल नहीं सकती है। बट रिमेंबर, आपकी जो बाती हो वो थोड़ी मोटी हो एंड थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड लास्टली हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से ऑयल की, ज़्यादा की नहीं। सो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको तीन डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बना के दिखाऊंगी। सो फर्स्ट कैंडल के लिए मैंने सबसे पहले ग्लास ले लिया है एंड फर्स्ट कैंडल को अंदर मतलब और अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से क्रिस्टल्स ले रही हूँ। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो या ना हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेंगी हमारी कैंडल्स। सो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने थोड़े से क्रिस्टल्स बॉल्स जो भी थी मेरे पास, जितना भी मेरे पास हो पाया, मैंने उसको सारे ग्लास के अंदर डाल दिया है। अब हम अपने ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। रिमेंबर कि जो पानी आप डालें वो पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उसका लेवल नीचे तक छोड़ देना है, मतलब ऊपर से थोड़ा ग्लास छोड़ देना है। सो ये जो क्रिस्टल्स मैंने ऐड करी हैं ये रात में शाइन करेंगी, जब लाइट इस पर पड़ेगी बहुत अच्छे लगेंगे। अब हमने जो प्लास्टिक के जो कटआउट्स किए थे, अब आपको उसमें से एक ले लेना है एंड जो हमने बाती बनाई थी तो उसके अंदर से आप इसको निकाल, इसके अंदर डाल के ऐसे साइड में रख दीजिए। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लीजिए, जो भी आपका ऑयल ले रहे हैं, एंड 2 या 3 टेबल स्पून आप ऊपर से पानी के ऊपर उस ग्लास में ऐड कर दीजिए। अब बड़े ही ध्यान से आपको बाती को उसके अंदर डाल देना है विद दैट लिड, जो प्लास्टिक की लिड थी। एंड रिमेंबर कि आप उसको थोड़ी सी देर ऐसे बाती को ऊपर से होल्ड करके रखिए, क्योंकि साइड में वो टेढ़ी भी हो जाती है। सो एक आध मिनट के लिए आप उसको ऐसे ही लीव कर दीजिए। जब एक आध मिनट हो जाए तो अब इसको जलाने का टाइम आता है, टेस्ट करके देखेंगे, तो देखते हैं जल्दी है या नहीं। सो यहाँ पर मैंने इसको जला दिया है एंड ये जल गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एंड दिस इज़ द फाइनल व्यू ऑफ आवर फर्स्ट कैंडल। अब हम नेक्स्ट कैंडल बनाएंगे। सो नेक्स्ट कैंडल के लिए मैंने नेक्स्ट ग्लास ले लिया है। अब इस कैंडल के लिए मैं काफ़ी सारी स्पार्कल पाउडर का, ग्लिटर पाउडर जो होती है उसका यूज़ करने वाली हूँ। सो मैंने अपने ग्लास में आधे से ज़्यादा काफ़ी सारी ग्लिटर इसमें ऐड कर दी है। अब इस ग्लिटर के ऊपर हम पानी से फिल कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट कैंडल के लिए किया था, ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। तो अब ये जो ग्लिटर है कई बार ऐसी हो जाती है, तो इसको फिंगर से आप थोड़ा इसको घुमा लीजिए, एक साथ इसके लम्ब्स बन जाते हैं, तो मेक श्योर इसके लम्ब्स ना बने। एंड ये जो ग्लिटर हमने यूज़ करी है बहुत ही प्यारी लगेगी थोड़े टाइम बाद, जब आप इसको देखोगे ना, जब आपकी कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद ही पूरे पानी में अच्छे से चमकती है एंड बहुत ही स्पार्कल अच्छा लगता है। ग्लिटर इफेक्ट बहुत अच्छा आता है अगर इसमें आप ऐड करते हैं तो। सो ये डालने के बाद आप इसमें ऑयल डाल दीजिए, जैसे हमने फर्स्ट कैंडल में डाला था, 2-3 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए।
एंड देन बड़े ध्यान से आप फिर से सेकंड बाती और जो लेड है प्लास्टिक की उसको ऐसे होल्ड करते हुए उसके उसके अंदर आप ग्लास में डाल दीजिए, ठीक है। अब उसको एक आध मिनट छोड़ दीजिए जैसे हमने पहली वाली कैंडल के साथ में किया था। एंड अब इसको भी हम जला के देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको जला दिया है एंड दिस इज़ द फाइनल व्यू ऑफ आवर सेकेंड कैंडल। सो अब थर्ड कैंडल को बनाने स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड कैंडल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कलर्ड वाटर। अब यहाँ पे कलर्ड वाटर बनाने के लिए मैंने थोड़ा रेड एंड ऑरेंज कलर को मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला कलर लिया है। सो ग्लास में डाल दिया है पानी को एंड उसके ऊपर ऑयल ऐड कर दिया है। देन उसके ऊपर हम सेम प्रोसीजर उसी हिसाब से हम लिड ऐड कर देंगे जो बाती है और उसको हमने इसमें छोड़ दिया है। सो एक आध मिनट छोड़ने के बाद अब मैं इसको लाइट अप कर रही हूँ इस कैंडल को। सो जला के देख लेते हैं एंड दिस इज़ हाउ आवर थर्ड कैंडल लुक्स लाइक। हैव अ लुक गाइस। सो गाइज दिस वॉज अ ट्यूटोरियल फॉर दीज वेरी ब्यूटिफुल वाटर कैंडल्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ ट्राई करें, दिवाली आ रही है, अपने घर में भी ऐसी कैंडल्स बनाएं एंड जगमगाएं अपने घर को। अपनी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग this video. I hope you all have a very safe and very happy Diwali and I'll see you guys next time. Bye guys.